हल्द्वानी में आज सुबह नशे के खिलाफ जागरूकता के उद्देश्य से MBPG कॉलेज से युवाओं की एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसको अबुद्धि भारत का नाम दिया गया। मैराथन दौड़ के पोस्टर बैनरों में कुमाऊं IG डॉक्टर नीलेश आनंद भरड़े और SSP पंकज भट्ट की तस्वीरें चस्पा की गई थी। इस दौड़ में बड़ी तादाद में युवा प्रतिभाग करने पहुंचे थे, लेकिन वहां हंगामा खड़ा हो गया। युवाओं और उनके अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि आयोजनकर्ताओं ने जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया, जबकि इसके लिए उनसे फीस भी वसूल की गई थी। कई लोगों ने ऑफ कैमरा यह बात भी कही कि उन्हें लगा कि इस कार्यक्रम में पुलिस की भी सहभागिता है, लेकिन आयोजक ने उन्हें गुमराह किया है। प्रतिभागियों के मुताबिक उनसे 50 से लेकर 500 रुपए तक की फीस वसूली गई है। यह फीस उनसे रिफ्रेशमेंट और जीतने पर इनाम देने के नाम पर वसूल की गई थी, लेकिन यह सब व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिली, जिससे नाराज बच्चे और उनके परिजनों ने आयोजनकर्ता मिथुन जायसवाल का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। यहां तक कि नैनीताल रोड पर भी छात्र प्रदर्शन करते हुए बैठ गए। वहीं मौके पर कोतवाली और भोटिया पड़ाव चौकी इंचार्ज कुमकुम धानिक भी अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों, उनके अभिभावकों और आयोजनकर्ताओं से बातचीत कर सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद सभी लोग कोतवाली पहुंचे, जहां मैराथन दौड़ आयोजनकर्ता मिथुन जायसवाल ने कई बच्चों की फीस वापस लौटा दी, लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस वापस नहीं की। इसके बाद पुलिस ने आयोजनकर्ता मिथुन जायसवाल को थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया। साथ ही मामले को गंभीरता से देखते हुए SSP नैनीताल पंकज भट्ट के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी आयोजनकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है।